केंद्र सरकार 84 सिख विरोधी दंगा मामलों की 28 फाइलों को फिर से खोलेगी। पीटीआई के हवाले से खबर है कि सिख विरोधी दंगा मामले में केंद्र ने 28 मामलों की जांच के लिए सीबीआई को कहा है। 33 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे परिवारों को एक बार फिर इंसाफ की उम्मीद बंधी है, क्योंकि 28 और मामलों की जांच फिर से की जाएगी जो सबूतों की कमी की वजह से बंद कर दिए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई एसआईटी अब इन 28 मामलों की फिर से जांच करेगी। इससे पहले एसआईटी 49 केसों पर काम कर रही थी। 28 नए केसों की जांच के बाद अब कुल 77 मामलों पर एसआईटी जांच करेगी। 1984 नस्लकुशी मामले में कुल 650 केस रजिस्टर हुए थे। दिल्ली पुलिस ने सबूतों की कमी की वजह से 241 केस बंद कर दिए थे, पर नानावती कमीशन ने 4 केस ही वापस खोलने के लिए कहा था। जिन 4 केसों पर सीबीआई जांच कर रही है उनमें से 2 केस पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है, जबकि एक केस में 5 लोगों को सजा दी गई है जिसमें एक पूर्व एमएलए भी हैं। 12 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसकी जांच रिटायर्ड जस्टिस जीपी माथुर की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी कर रही है। 1984 नस्लकुशी के दौरान 3,325 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2,733 लोग दिल्ली में मारे गए, जबकि बाकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में मारे गए थे। अब एक बार फिर से जब बंद पड़े केसों की जांच की बात चल रही है तो पीड़ितों को इंसाफ की किरण दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।